अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी दाल के फरे। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर हरे उड़द और मटर की दाल को लेकर भिगा लिया था। आप चाहें तो काला उड़द, कोई भी उड़द की दाल लेकर आप भिगो लें मटर की दाल के साथ। 3 से 4 घंटे हमें दाल को भिगो लेना है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। हमने इस कप से 1 कप दाल ले ली थी। यहाँ पर हम हींग ले लेंगे, थोड़ा ही हींग लेना है, ये बांधनी हींग है। अगर आपके पास पाउडर हो तो आधा छोटा चम्मच पाउडर ले लें। 1 छोटा चम्मच हमें ले लेना है सफ़ेद ज़ीरा। और हमने यहाँ पे 12 से 15 हरी मिर्चें ले ली, ये तीखी वाली नहीं है। अगर आपके पास तीखी हो तो 3 से 4 ही डालें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें हरी मिर्चें। यहाँ पर हमने आधा गड्डी सोवा ले लिया है। सोवा को धुल कर हमने काट लिया है। पहले सोवा को अच्छे से धुल लेना, उसके बाद काटना। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे ज़रूर डालें, इसे स्किप ना करें। जिस कप से हमने दाल लिया था उसी कप से 3 कप आटा ले लिया था। आप चाहें तो आटे की कम ज़्यादा कर सकते हैं और लेकर गुन लें। हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डाल देंगे हमने जो हींग ली थी, साबुत ज़ीरा डाल देना है। इसके बाद हमने जो हरी मिर्ची ली थी डाल देना है, और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दरदरा सा पीस लिया था। अब इसमें हम दालें डाल देंगे जो हमने दालें भिगो कर रखी थी, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। आप चाहें तो बिगर पानी के भी पीस सकते हैं। हम 2 छोटे चम्मच पानी डालेंगे, बस इतना ही डालना है, एकदम बारीक सा पीस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी दालों को पीस लिया है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमने सारी दालें पीस ली है। दाल खड़ी नहीं रहना चाहिए, एकदम बारीक पीस लें, बिगर पानी डालें। हम यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भरकर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे सोवा जो हमने बारीक काट कर रखा था, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर मिक्स करके अच्छे से रख दिया है। हम यहाँ पर आटा ले लेंगे। हमने आटे को नमक डालकर गून लिया था। ज़्यादा सख्त नहीं गूनना है, ना ज़्यादा नरम गूनना है। आटे का बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे हम, और उसे बेल लेंगे जैसा रोटी बेलते हैं। मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं। देखिए हमने बेल लिया है, और हम गिलास लेंगे, उसकी मदद से हम गोल शेप में कट कर लेंगे। ऐसे करने से जल्दी से हमारे